सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल राधा सी ब्लॉग। एंड आपका मेरे ब्लॉग चैनल पे बहुत स्वागत। अभी हम निकलने वाले हैं यहाँ से अपने घर के लिए। हम निकल रहे हैं, हम लोग का हो गया जितना भी ट्रिप करना था, जितना घूमना था हो चुका। आज है 1 मार्च और हम लोग का आज गाड़ी है जमशेदपुर का, तो चेन्नई है अभी हम लोग और यहाँ से पकड़ने वाले गाड़ी। तो चलिए ब्लॉग पे बने रहिए और देखिए कि हमारा ट्रेन का सफ़र कैसा रहता है, हम कब पहुँचते हैं। तो चलिए ब्लॉग पे बने रहिए। अभी तो जल्दी जल्दी से सब हम लोग रख रहे हैं, ले जाने का कुछ छूटे नहीं, वरना छूट जाता है जल्दबाजी में। सो इसलिए चलिए ब्लॉग पे बने। सो गाइस, हम दोनों रेडी हो चुके हैं, मेरे हस्बैंड भी रेडी हो गए और अब बुक कर रहे हैं कैब यहाँ से निकलने के लिए। तो चलिए निकलते हैं। सो गाइस, अब हम निकल रहे हैं यहाँ से। लिफ्ट से बहुत ज़्यादा आप लोगों को पता है कि सामान है, तो इसलिए लिफ्ट से होके हम लोग अब निकल रहे हैं फाइनली घर के लिए। और घर जाने के बाद भी अभी ढेर सारा काम है, आप देखिएगा, काम मीन्स घूमने वाला काम। तो ब्लॉग कंटिन्यू देखते रहिए, फिर मज़ा आएगा। हम लोग कैब का वेट कर रहे हैं, कैब बुक कर लिए बट थोड़ा सा देर हो गया है। फिर हम लोग का कैब आ गया था और यहाँ पे अपना जो भी हम लोग का सामान था वो हम लोग लोड किए और निकले स्टेशन के लिए। लेट ना हो इस चीज़ का डर लगता है अगर दूर का सफ़र हो तो। और स्टेशन पे मतलब कभी कभी क्या होता है, रास्ते में बहुत ट्रैफिक मिल जाता है तो उस चीज़ का डर लगता है। बट हम लोग 1 घंटा पहले निकल रहे थे यहाँ से ताकि हम लोग टाइम पे मतलब पहुँच जाए स्टेशन, और गाड़ी आने के पहले ही हम लोग पहुँच जाए तो सही है, तो इसलिए हम लोग पहले निकल गए थे। फिर भी बहुत सारा ट्रैफिक मिला और देख सकते हैं पहुंचने में एकदम अंधेरा हो गया क्योंकि स्टेशन काफ़ी दूर था, जहां हम लोग रुके थे होटल से बहुत दूर था स्टेशन। फिर हम लोग फाइनली स्टेशन पहुंचे। क्या है आप बताइए, आप बताइए। किसका लग रहा है, कैरेटिन का? खाली है, खाली है। हाँ हाँ, क्या सीट है? खाली है, खाली है। हमसे क्या कहना, नाक उड़ा लेंगे। कौन दिया, कौन दिया? वही हम बोल रहे हैं, कौन दिया? पागल हो गए हैं? हमको लगा चॉकलेट। हम वही डब्बा देके नहीं ले रहे, हम सच्ची हम चॉकलेट समझ रहे हैं। डब्बा देके किसी ने नहीं ले रहे थे ना, पागल हो गए हैं क्या? इसी में लेट किए हैं क्या? नहीं, राती में, ये तो 10 मिनट में हो गया। कहां के लिए लिया, कहां के लिए? एनिवर्सरी का एडवांस में आएंगे नहीं क्या? देखें, अरे नहीं आया तो, नहीं आया तो कह रहे नहीं आना है। अब कल ही पापा से भी बोले तो बोले बुलाने के लिए, पूछिए यहीं पे हैं।
एनिवर्सरी में बोलना आने के लिए, बोल के आना लोग पागल हो गया है। हाँ मुझे कुछ भुजा ही नहीं रहा है क्या, देखे भी नहीं। नोज का, ये ईयर का नोज पिन है ना, नोज पिन है डायमंड का जो आप पहने हो, जानते हैं कितने का है? 8,000। मेरी दादी सासू माँ दी थी, दादी सासू माँ दी थी है इनकी ग्रैंड मदर। क्यों हम सच्ची हम वीडियो बना रहे हैं, मुझे टेंशन है। कैसे आप जान? अच्छा इसके वजह से हम नहीं, हम चौक वही देखे थे, फिर हम डाउट करते हैं, बोले नहीं निकले नहीं निकले। गाइस तुरंत हमारा ट्रेन आने वाला है और कनन भी आ चुके हैं, कहाँ गए वहाँ वो भी आ चुके हैं, क्योंकि यहाँ प्रॉब्लम होगा चढ़ाने में, 5 मिनट ही ट्रेन रुकती है। और आप लोग देखिए उनका जीप, उस बारे में बाद में बात करेंगे। आइएगा एनिवर्सरी में, ठीक है? बाय। सो यहाँ ट्रेन का स्टॉपेज बस 5 मिनट के लिए है, ठीक है? सो कनन गए क्योंकि स्टॉपेज 5 मिनट का ही है, फिर ट्रेन स्टार्ट हो जाएगा, तो इसलिए मेरे हस्बैंड बोले कि जल्दी से स्टार्ट हो। फिर उसके बाद कुछ रिकॉर्ड नहीं किया, डायरेक्ट रात में 9:10-10:30 हो रहा था उस टाइम का ये वीडियो है, जब खाना आया और हम लोग खा रहे थे, बहुत लेट खाना आया था। सब लोग तो अपने घर से खाना लेकर आए थे, खा के सो भी गए थे, हम लोग इसका वेट कर रहे थे, और हम रात में खाना नहीं खाए थे क्योंकि हम शाम में ही खा के आए हुए थे, तो इसलिए मेरे हस्बैंड मंगाए थे, इसी में से हम अपना एक रोटी खा लिए थे और हो गया था, क्योंकि बहुत लेट हो गया था और इतना रात में खाने का मन नहीं करता है। उसके बाद हम लोग खा के और सो गए थे। गाइस गुड मॉर्निंग, और उठ चुके हैं मेरे हस्बैंड भी, उठ चुके हैं और हम नींद में ही लग रहे हैं कि ये जगह है, फिर जाना है, मेरा तो स्लीपर है, इनको दिन भर बैठना है, हम तो सो सकते हैं। देखिए इनको क्या है, नींद आके सो जाएगा। इडली नाश्ता, इडली और इडली, बड़ा इडली तो सोचे इडली और इडली 60 रुपये, इडली और सर लोकल टिफिन नाश्ता, लोकल टिफिन इडली वड़ा, बड़ा इडली छोटा छोटा। पूरे पूरी इडली वड़ा पूरे कल 8 बजे से हम लोग ट्रेन पे चढ़े हैं, अभी नेक्स्ट डे दोपहर का 4 बज रहा है और अभी हम लोग पहुंचने वाले हैं कल सुबह में 4 बजे। सुबह आपकी बार केक आएगा तो खरीदेंगे, और नमकीन खाते खाते ये मन हो गया, लग रहा है कुछ मीठा खाएं। पिछले बार आपने ट्रेन वाला ब्लॉग देखा होगा, हम दिन भर खा ही रहे थे, इस बार मन नहीं कर रहा है, पता नहीं कि इस बार बहुत कम हम लोग खा रहे हैं। कई कई ट्रेन बहुत तेज़ी से चल रहा था ना, पता रुका कहाँ है ना। तो गाइस थोड़ा वो बाल बाल झाड़ लिए हैं और फेस में तो कुछ नहीं रहा, लिपस्टिक लगा लिया, लिपस्टिक लगाने के बाद ही बहुत अच्छे लगने लगते हैं खुद को। तो चलिए ब्लॉग पर बने रहिए और देखिए और क्या क्या करते हैं, केक का वेट कर रहे हैं कि केक बेचने आएंगे तो खरीदें।
गाइस ये वाला ट्रेन देखिए कुछ अलग दिख रहा होगा ना, तो ये पेट्रोल वाला ट्रेन है, देख सकते हैं। बहुत लोगों को तो पता होगा बट मेरे को नहीं पता था, हम पहली बार देख रहे हैं। कैसा लग रहा है? खा सकते हैं। सो गाइस ट्रेन में इतना सा चाउमीन 50 का मिला है, देख सकते हैं 50 रुपए का जो 20 में मिलता है। फिर गाइस देख सकते हैं शाम होने वाला था और जब सनसेट होता है तो इतना खूबसूरत लगता है देखने पे नज़ारा, वैसे ही बहुत सुंदर लगता था पहाड़ों के बीच में, जैसे हम लोग बचपन में ड्राइंग बनाया करते थे वैसा दिख रहा था। फिर रात हो रहा था तो फिर हम लोग यहाँ समोसा इडली बड़ा ये खाएं और ये केक वगैरह लेके और रख लिए थे हम लोग खाने के लिए। केक तो दिन से ही वेट कर रहे थे बट नहीं आया, तो फिर हम रात में आया तो ले लिए थे फिर भी खाने के लिए। फिर टाइम पास के लिए थोड़ा देर लूडो खेल के फिर हम लोग सो गए थे और सुबह फाइनली हम लोग पहुंच गए टाटा नगर। इतने दूर का सफ़र तय करने के बाद फाइनली हम लोग पहुंच चुके थे और वहां पहुंचते एक सरप्राइज़ मिला और वो था ये कि मेरी बहन आई हुई थी, देख सकते हैं आप लोग। और ये देखिए ये सरप्राइज था किसी का, नहीं आई हुई है। और अभी चलिए हम लोग चलते हैं घर जाके, उसके बाद बातें करते हैं। मैंने गिरी जा बुला देता पुत्र जा यहाँ ये यहाँ जा वहाँ जी जी तुम भी आती हो नहीं दोनों को याद मुझे लो दोनों को बाप बाप रे वो अच्छा तू बहुत भारी है गिफ्ट दे यादी कर रहा गिफ्ट दिया दे कर रहा गिफ्ट दे दीदी तू बचपन में खेलती थी याद ये जब खरीदी है बोलने बाद कुछ खाते हैं खाने वाली चीजें रिटर्न लेकर आए हैं ये प्रसाद प्रसाद देख लो इसी अंदाज से आए थे लोग ना काली घाट हाँ। तो वो बोले थे कि अपना पूजा रूम में रख देना तो वहीं लेके आए हैं, अभी तो फेंक रहे थे तो अभी हम कैसे कैसे बचा के लेके आए हैं। चपटी ला दे दिया चल ठीक चल समझ ना हेलो आओ 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 ये भाई मेरा गैस बंद कर दो ना ठीक है जब बंद कर आओ लो ए ऐसे ही टांग लिए भारी जब बंद करो काले आग लगा है चल चल चाय बना दे रुक लो नहीं बना दे रहे दो मिनट लगेगा अब खाली नहीं खाली पानी गरम करो ना आइए सर दो मिनट लगेगा इसको बने आओ लो यही सब तो भर लिया इसी में था या उसमें हाँ तो इसमें
कौन सा किस कर दो? कोई भी माँ को पसंद आएगा तो दोनों में से आपका जो पसंद है वो है ले लेंगे दोनों ले ले लीजिए एक मम्मी के मैंने अच्छा लग रहा था और कोई डिजाइन अच्छा फिर यहाँ वही हम लोग कर रहे थे जो जिसके लिए लाए थे कपड़ा उपड़ा वो सब दे रहे थे और सब बहुत खुश हो गए थे। शिवानी भी आई थी उसको भी वहीं पे हम लोग दे दिए। शिवानी का कपड़ा दिखाए थे नहीं याद ही नहीं है मेरे को शायद दिखाए थे आप लोग को इस मतलब पिछले ब्लॉग में जब हम खरीद के लाए थे। फिर यही हुआ जो जो जिसके लिए हम लोग ले के आए थे वो दे रहे थे और उसके बाद अपना एकदम सुबह का टाइम था अभी उसके बाद देखिए क्या किए। सो गाइज ये दुर्गा माँ को लाए थे आप लोग देखे होंगे मेरे को डर लग रहा था टूट ना जाए मतलब नीचे एकदम से आ गई थी लेकिन नहीं तो ठीक है हम इनको रखेंगे अपने पास यहाँ पे। हाँ फिर यहाँ साइज़ का कन्फ्यूजन हो रहा था शिवानी के लिए जो ड्रेस हम लोग लेके आए थे कि वो अटेगा या नहीं बट अट गया था थोड़ा सा मतलब टाइट था बट ठीक था। सो गाइस थोड़ा देर आराम कर ले रहे हैं सो ले रहे हैं उसके बाद उठेंगे तो नहाएंगे क्योंकि बहुत थकान सा लग रहा है सो इसलिए उसके बाद जो भी है और कुछ दिखाएंगे कि क्या क्या लेकर आए हैं बच्चों के लिए और अपनी मछली वाली सासू माँ के लिए। और गाइज ये प्यारा सा इयर रिंग शिवानी लेके आई थी मेरे लिए जो मेरे को बहुत अच्छा लगा आर लेटर का जो मेरा नेम भी है। तो चलिए इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करेंगे कैसा लगा जरूर बताइएगा अच्छा लगा होगा तो लाइक करिएगा चैनल को सब्सक्राइब एंड जितना हो सके शेयर। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग के साथ।